बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हमारे किचन में बन रहा है अरबी और चिकन, जिसके लिए 2 kg मेरे पास चिकन है, 3 से 4 छोटे अदद प्याज हैं काट लिए हुए हैं, नमक है, सुरख मिर्च है, हल्दी पाउडर है, 1 कप ऑयल है, कुटा हुआ अदरक है, लहसुन है, चाप हुआ हुआ टमाटर है, और अरबी मैंने काट के तो इसको नमक लगा दिया है। बर्तन में मैंने पानी डाल दिया है और 1 कप डालूंगी इसमें ऑयल। इसमें जाएगा नमक, मिर्च, और हल्दी। ये सारे मसाला जल जाएंगे। और डालूंगी प्याज, इसको मैं नाज़रीन 10 से 15 मिनट लगाऊंगी वेट। अच्छे से मसाला गल जाता है, प्याज वगैरह गल जाते हैं, वैसे तो 3-4 घंटे का प्रोसीजर होता है। ये देखिए, इन सारी चीज़ों को लगा दूंगी मैं 10 मिनट के लिए वेट। प्रेशर मैंने खोल दिया है, आप देख रहे हैं कि लहसुन प्याज बिल्कुल गल गया हुआ है। ये देखिए, अब इसके अंदर डालूंगी मैं गोश्त। गोश्त जो मैंने धो के रखा हुआ है, सारा गोश्त गया इसके अंदर। अब इसको मैं भूनूंगी कि सारा गोश्त भी गल जाए और लहसुन प्याज भी अच्छे से मैश हो जाए और जो मैंने ऑयल डाला था वो भी ऊपर आ जाए। देखें जी, गोश्त की करंट सिचुएशन, भुना जा रहा है। बनाए के वक्त मैं इसमें डाल रही हूँ सूखा धनिया पिसा हुआ। बस अब 5 से 10 मिनट के अंदर हमारा गोश्त रेडी होता है, तो अरबी को धो के मैं फ्राई करती हूँ। देखें जी, यहाँ पे चिकन हमारा जो है ना बड़े अच्छे से हो गया हुआ है, घी भी सारा ऊपर आ गया हुआ है। घी मैंने कम डाला था क्योंकि फ्राई के वक्त अरबी जो मैं फ्राई करूँगी तब भी घी इसके अंदर जाएगा। तो देखें, अरबी मैंने धो के तो ड्रेन करके रखती हुई है। अरबी को मैंने बड़े अच्छे तरीके से धोया है मदान की मदद से, क्योंकि इसमें जो लेस होती है ना वो सारी निकालनी है आपने, स्टिकीपन जो इसका सारा गायब हो जाए। चलें तो अब नेक्स्ट स्टेप हम शुरू करते हैं, अरबी को करते हैं फ्राई। यहाँ पे मैंने पैन में थोड़ा सा ऑयल लिया है, ऑयल हमारा हो गया गरम। अब इसके अंदर डालूंगी मैं अभी इसको हिलाना नहीं है, एक साइड इसकी होती है तो फिर दूसरी साइड जो है ना मैं इसको हिलाती हूँ, क्योंकि अभी हिलाऊंगी तो सारी चीज़ें सकेंगी। एक साइड हमारी ब्राउन हो गई है, अब इसको मैं हिलाती हूँ। अगर अरबी डालते वक्त कुछ ही टाइम हिलाना, चमचा मारना शुरू कर दें तो अरबी जो है नीचे लग जाती है, और चमचा भी आप देख रहे हैं मैंने सीधा इस्तेमाल किया है। ये लाइट ब्राउन होती है तो इसको फिर उतारते हैं। यहाँ पे 2 अदद छोटे लेमन है, इनका जूस जो है ना तलाई के वक्त इसके अंदर जाएगा। देखेंगे आपके सामने डालते हैं, भी मैंने डाल ली है लेकिन फ्राई करके फिर से मैं निकाल लूंगी।
बस सर्दी हमारी रेडी है, इतना ज़्यादा हमने शिकायत नहीं करना। आप देख रहे हैं अभी नीचे नहीं लगी, ऐसे ही आपने फ्राई कर लेना। अरबी हमारी डन है, अब अरबी को मैं निकाल रही हूँ और दोबारा गोश्त वाला जो मसाला है मैं चूल्हे पे चढ़ा रही हूँ। फ्राई हुई अरबी मैंने चिकन के अंदर डाल दी है, अब इसको मैं थोड़ा सा भूनूंगी। देख लें चम्मच मैं सीधा इस्तेमाल कर रही हूँ। भूनने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। देखें जी अरबी गोश्त के अंदर जाके भी भुनी जा चुकी है, ऑयल हमारा ऊपर आ गया। अब हम डालेंगे इसमें डिजायरेबल बटर। मैंने 3 गिलास इसमें पानी डाला है, आप चाहें तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम भी डाल सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। अब इसके अंदर जाएगा गरम मसाला। चलें जी, इसको 2-3 उबाले आते हैं, पक जाता है पानी, तो फिर आपको मैं प्रेजेंटेशन करके दिखाती हूँ। जी देखिए यहाँ पे मज़ेदार किस्म की अरबी और चिकन बन के रेडी है। शोरबा भी थोड़ा सा बना है, ग्रेवी भी ऊपर आई हुई है और कलर भी इसका बड़ा अच्छा आया है। आप भी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, हर स्टेप मैंने आपके साथ शेयर किया है। बातें तो होती रहेंगी, इससे पहले कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएँ ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो मिलती रहे। इस उम्मीद के साथ कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।